नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से। जहानाबाद शहर के कोर्ट हॉल्ट के समीप सत्यम शिवम रेस्ट हाउस में बड़ा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि इस रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में इस रेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, जहां से 12 लड़कियां और 11 लड़के आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए। इस बाबत में पूछे जाने पर युवक ने बताया कि एक व्यक्ति से 1,000 रुपया होटल संचालक द्वारा लिया जाता था। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस को भी इतने बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलाने की अनुमान नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत दिनों से इस होटल में धंधा चल रहा है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच में जुट गई। पुलिस पता लगा रही है कि धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस द्वारा रेस्ट हाउस से 12 लड़कियां 11 लड़कों को पकड़कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। पकड़े गए सभी लोगों को पता लगाया जा रहा है कि लड़का और लड़की कहां की रहने वाली। पुलिस द्वारा कई बिंदुओं पर जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहां इस पूरे मामले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि इस होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसके उपरांत छापेमारी करते हुए संदिग्ध अवस्था में युवक युवतियों के साथ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि इस होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके उपरांत छापेमारी करते हुए संदिग्ध अवस्था में युवक युवतियों के साथ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। देखिए, ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि मतलब इस जगह पे कुछ कमरे जो है वो अनाधिकृत तौर पर जो है वो लिए जा रहे हैं लड़की लड़कियों, और इसी के सत्यापन और जांच में हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस क्रम में कुछ लड़के लड़कियाँ और कुछ यूज्ड आपत्तिजनक जो सामान है वो मिले हैं, तो इस संदर्भ में पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इसमें बड़े पैमाने पर जो ये यहाँ पर सूचना मिल रही थी, तो इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनकी भूमिका की जांच हो रही है। कितने लड़के कितनी लड़कियाँ? देखिए, ये यहाँ पे अभी करीब 12 लड़कियाँ और 11 के करीब हैं। अभी संख्या हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। वी हैव रेस्क्यूड द गर्ल्स एंड अभी हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं। क्या होटल वाले पर भी कार्रवाई होगी सर? अभी हम लोग इसको देख रहे हैं कि किस लेवल पे ये हो रहा था और इसमें इनकी भूमिका क्या है। जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। सर, पुलिस को सूचना कैसे मिली थी? पुलिस को सूचना का माध्यम गुप्त होता है, जो हम लोग आपको बता नहीं सकते हैं। नहीं, मतलब पहले से भी सब हम लोगों को पब्लिक से इसकी सूचना आज मतलब प्राप्त हुई है, तो उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की।